नमस्कार जनटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे ईआरसीपी, जो ईआरसीपी जिसको मुझे लगता है कि सुन सुन के आपके कान पक गए होंगे। अब वो ईआरसीपी राजस्थान सरकार और केंद्र का दावा है कि अब वो मूर्त रूप लेगी। पहले अलग तरह से इस योजना को आगे बढ़ाया जा रहा था, अब इंटरलिंकिंग रिवर फ्रंट के जरिए होगा, यानी कि नदियों को आपस में जोड़ने की जो योजना चल रही थी उसके जरिए इस योजना को पूरा किया जाएगा। दावा है कि 90% पैसा केंद्र का होगा और 10% राज्य। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों के 13-13 जिलों के लिए लाभकारी होगी। सिंचाई, पीने का पानी, इंडस्ट्रीज और वन्य संसाधनों के लिए भी होगी, ये दावा किया जा रहा है। अभी खैर, जब दावा मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि अभी जब मूर्त रूप लेगी तब इसका पता लगेगा। 2.80 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, 25 लाख किसान परिवार इससे लाभान्वित होंगे, 40% आबादी को पीने का पानी मिलेगा इस योजना के तहत। खैर, लेकिन हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी कांग्रेस से हैं, भाजपा से डॉक्टर चेतन राजपुरोहित साहब हैं और किसान नेता रामपाल जी जाट हमारे साथ में हैं। इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रविवार को दिल्ली पहुंचे, जयपुर में प्रेस ब्रीफिंग की और उसके बाद केंद्रीय जल संसाधन मंत्री, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में एमओयू साइन हुआ। बीजेपी इसे कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही। भजन लाल जब आज ही यानी कि सोमवार को जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे तो भव्य स्वागत किया गया, विधानसभा में पहुंचे तो टेबिलें थपथपाई गई, बीजेपी कार्यालय में आतिशबाजी की गई। खैर, मैं रामपाल जी के पास में जाना चाहूँगा। आपने एक बयान जारी किया रामपाल जी इस योजना को लेकर के कि जो मूर्त रूप है वो विघटित करके और नए तरीके से किया जा रहा है। खैर, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या वाकई जो सरकार जिस एजेंडे पे काम करेगी, पीने का पानी, किसान को पानी, वो मिल पाएगा उससे? योगेंद्र जी, ये राजस्थान की जीवनदायिनी योजना है जी। 2018 में विधानसभा चुनाव के पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, इस योजना को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाते हुए जल्दी निर्णय किया जाएगा। पूरे समय गुजर गया और वो जो योजना थी ना, आगे तो नहीं बढ़ी, पीछे हट गई। तो हम चले थे 10 कदम और हम 20 कदम पीछे आ गए और उसमें भी ताली कोई बजा रहा है, मेज थपथपा रहा है, स्वागत करा रहे हैं। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ भाई, इसमें तो पानी घट रहा है राजस्थान का, मध्य प्रदेश का जरूर बढ़ रहा है। इसमें 1,94,000 हेक्टेयर की सिंचाई होगी और उसके पहले जो हमारे साथ उन्होंने योजना बनाई थी मोहनपुर कुंडालिया, दोनों योजना पार्वती कालीसंद से है, उनसे 2,86,000 हेक्टेयर में सिंचाई शुरू हो गई और हम जहां थे वहां से भी पीछे हट गए। और हमने ये जो पीकेसी के साथ उसको क्लब किया, इससे हमारा हित कम हुआ है, हमारा हित कोठारा बघात हुआ है। इसलिए अभी जो ये काम किया है, अभी तो इनको सॉरी मांगनी चाहिए जनता से कि हमने इस योजना को पीछे ले गए। यदि ये कहें कि ईआरसीपी, तो इसका तो काम चल रहा था पहले से, अब आप शुरू करेंगे, अब क्या शुरू करोगे? नवनेरा का काम 90% पूरा हो गया, बांध का पूरा हो गया। हाँ, पूरा। और इधर जो है आपका ईसरदा, उसका 68% पूरा हो गया। तो दोनों का काम चल रहा, 14,200 करोड़ रुपए खर्च हो गए, उसके उपरांत भी ये कह रहे हैं अब हम शुरू कर रहे हैं, अब शुरू किया, अब ऑन कर दिया। क्या ऑन कर दिया तुमने भाई? इसलिए जो ऑन जी, ये इंटर रिवर लिंकिंग करके और अगर पानी लाया जाएगा तो लगता है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि पानी हमें कम मिलेगा उससे? योगेंद्र जी, मुझे नहीं लग रहा, ये जो जल शक्ति मंत्रालय है केंद्र का, उन्हीं का आंकड़े दे रहा हूं मैं। उन्होंने जब इसको कैलकुलेट किया कि दोनों योजना जब क्लब होगी तो राजस्थान को पानी कितना मिलेगा, तो उन्होंने कहा राजस्थान को पानी मिलेगा 1775 मिलियन घन मीटर। और फिर उन्होंने कहा कि हम 689 मिलियन घन मीटर पानी जो ड्रिंकिंग वाटर से वेस्ट होता है उसको कलेक्ट करेंगे, उसको उन्होंने जोड़ दिया 689 को, इन्होंने कर दिया उसको 2464 मिलियन घन लीटर। तो ये जो 2464 है और हमको पहले ईआरसीपी से जो पानी मिल रहा था
उसकी मात्रा 3510 मिलियन घन मीटर, तो आप 3510 से उसको 2464 लाए और वास्तविक जो है वो 1775 है, तो 1775 से किसको तो आप पानी दोगे, किसको पानी पिलाओगे, किस खेत को पानी जाएगा। और मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान को जब ये योजना बनी थी उस समय भी पेयजल की जो आवश्यकता थी वो थी 1723 मिलियन घन मीटर की, लेकिन बाद में भारत सरकार ने नॉर्म्स बदल दिया। पहले था 40 लीटर एक दिन में एक व्यक्ति को, अब हो गया 55 लीटर एक दिन में एक व्यक्ति को। जैसे नॉर्म्स बदले अब उस नॉर्म्स के अनुसार हमको पीने के लिए पानी चाहिए 2369 मिलियन घन मीटर। तो यदि 2369 मिलियन घन मीटर हमको पानी चाहिए और हमारे पास इनके अनुसार भी जो रहेगा वो 2464 रहेगा और इनके अनुसार रहेगा 1775 वास्तव में, तो आप पीने का पानी नहीं दे सकते इससे, तो पीने का पानी की आपूर्ति पूरी नहीं होगी, सिंचाई तो गई पीछे। इसलिए ये जो घोषणा, मैं वापस आ रहा हूँ आपके डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी के पास में जाना चाहूँगा। डॉक्टर साहब क्या लगता आपको, देखिए मकसद राजस्थान में पानी आना है और ऐसा लगता है आपको कि केंद्र में मंत्री हैं, मुख्यमंत्री की अपनी जवाबदेही होगी, अगर इस योजना में कहीं पीछे बैकफुट पे गए हैं, रामपाल जी कह रहे हैं कि पानी कम मिल रहा है तो उनकी तो अपनी जवाबदेही होगी, नहीं लगता कि इसको राजनीतिक चश्मे की बजाय वाकई हमें इसे पॉजिटिव वे में देखना चाहिए? देखिए जिस तरह से भी रामलाल जी ने कहा है वो तो राजनीतिक रूप में यहाँ बैठे नहीं है, वो तो कृषक समुदाय से बैठे हैं, उनकी बात पर गौर करें। अगर मैं कोई बात कहूंगा तो आप राजनीतिक रूप दे सकते हैं, लेकिन रामलाल जी जो बात मुद्दे उठाए हैं और जो विषय वो कह रहे हैं उसमें उनकी बात पर हमें शंका क्यों करनी चाहिए? चूंकि वो लाभकारी सेक्शन से आते हैं, वर्ग से आते हैं, आप मुझे बताइए कि जब ये योजना लागू की थी, घोषित की थी प्रधानमंत्री ने और उसको दो दो बार चुनावों में आकर के उन्होंने इसका घोषणा की और कि हम बना देंगे कर देंगे, लेकिन 5 साल तक उन्होंने इस योजना पर कोई कार्रवाई नहीं की। और अब सवाल यह है कि आज 5 साल उस योजना पर जो आपका बजट था उसमें 10% की बढ़ोतरी हो चुकी है, तो ये नुकसान किसका हुआ? और दूसरी बात, ये बात सही है कि सिंचित क्षेत्र और पेयजल क्षेत्र को इन्होंने इस MOU में अलग नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात यही है कि देखिए योगेंद्र जी, समझने की बात है कि इस बार किसी भी सरकार से बुलाकर के, चाहे वो मध्य प्रदेश सरकार हो चाहे राजस्थान की सरकार हो, उन्हें बुलाकर इस संबंध में कोई चर्चा नहीं की गई है। एक MOU केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्री के यहां से बनकर तैयार हुआ है और उस पर दोनों सरकारों के मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों बुलाकर उसे दस्तखत करवा लिए गए हैं। आपने कहीं सुना कि कहीं चर्चा हुई दोनों राज्यों के बीच में? कोई चर्चा नहीं हुई। जो भी MOU केंद्र सरकार ने बनाकर दिया उस पर दोनों सरकारों ने अपनी सहमति जता दी। और जिस तरह का ब्यौरा रामलाल जी ने इस मामले में दिया है सिंचित क्षेत्र पेयजल मामले में और पेयजल मामले को लेकर के, जो भेद इस MOU में है उसका इन्होंने खुलासा किया, तो ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये वास्तविक मुद्दा है। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, चूंकि ये लोकप्रिय योजना थी, वसुंधरा जी ने इसको प्रस्ताव किया था और प्रधानमंत्री ने इसका अनुमोदन किया था, तो हमने भी जनप्रियता को देखते हुए इस योजना को लागू किया और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 17,000 रुपए खर्च करके नेवरदा और ईसरदा योजना दोनों के बांधों को लगभग पूरा बनाने का काम कर दिया, उस पर काम चल रहा था। अगर हमारी सरकार इस बार आती तो हमारा संकल्प था कि हम इस पूरी योजना को अपने संसाधन माध्यम पूरा करते, लेकिन हम कहते हैं इस मामले में अगर पहल भी हुई है पर पहल देखिए, ये बात समझनी पड़ेगी कि राजनीतिक रूप से इसको रोका गया, क्योंकि इस बार के इस MOU के मामले में दोनों सरकारों से बातचीत किए बिना ही केंद्र सरकार ने अपना फैसला सुना दिया और दोनों राज्य सरकारों ने उसे स्वीकार कर लिया है, लेकिन वो वास्तविकता से कोसों दूर है। राजपुरोहित साहब आपके पास में आना चाहूंगा मैं, MOU के लिए बैठक होनी चाहिए थी, ये प्रदीप चतुर्वेदी साहब का आरोप है, किसी तरह की कोई बैठक नहीं हुई जो ये बता रहे हैं, सीधा वहां से एक एजेंडा तैयार करवाया गया, दोनों मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया और साइन करवा दिए गए। योगेंद्र जी मेरे को आज बड़ा दुख हुआ, स्वागत करना चाहिए था, अभिनंदन करना चाहिए था राजस्थान की सरकार का, केंद्र की सरकार का, क्योंकि राजस्थान के जनता से डायरेक्ट जुड़ा हुआ सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा है, किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आम नागरिक से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये गाँव का मुद्दा है, ये शहर का मुद्दा है, ये ढाणी का मुद्दा है। आज स्वागत करते तो मेरे को अच्छा लगता है कि आज बड़ी योजना है कि ERCP के नाम से जो राजस्थान में थी उसके ऊपर जितनी तीव्र गति से काम इस सरकार ने किया है वो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड समय के अंदर, मैं जिसको रिकॉर्ड समय के अंदर कहूँगा। अब बताऊँगा प्रदीप जी की बात पे, प्रदीप जी ने कहा बैठक नहीं, हमारे प्रदीप जी मित्र को याद नहीं है, आज से 15 दिन पहले मध्य प्रदेश शासन और राजस्थान शासन के बीच जयपुर में मीटिंग हुई है, उसके बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी राजस्थान पधारे हैं, उसके बाद में यहाँ मीटिंग हुई है, उसके बाद में फिर दिल्ली गए हैं, तो ये अलग ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ये सारे काम हो रहे हैं। अब आता हूँ मैं मूल मुद्दे पर,
मूल मुद्दा क्या है? यह बैठक किसके अधिकारियों के बीच हुई? बिल्कुल बिल्कुल, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार के अधिकारियों के बीच बैठक हुई थी जयपुर के अंदर, और आप सबको पता है, अपने पेपरों में भी पढ़ा, मीडिया में भी देखा। अब मैं आता हूँ मूल मुद्दे पर, योजना। इस योजना से जो 13 जिले राजस्थान के प्रभावित हो रहे हैं, क्या उनका ध्यान नहीं रखा जाएगा? क्या राजस्थान की सरकार, राजस्थान के जल शक्ति मंत्री, राजस्थान के जन्मे जाए, यहीं पैदा हुए और राजस्थान के हितों की चिंता करने वाले, सबसे बड़ी चीज़ है चिंता करने वाले, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं है, जिसके अंदर गहलोत साहब एक चिट्ठी भेजते हैं मीटिंग के लिए कमलनाथ जी को, और कमलनाथ जी 7 महीने तक जवाब नहीं देते हैं गहलोत साहब को, और तो जवाब नहीं देते हैं, चलो कोई बात नहीं, सरकार ने जवाब नहीं दिया, गहलोत साहब ने एक रिमाइंडर तक नहीं दिया, जबकि सरकारी सिस्टम में नियम है कि अगर किसी पर चिट्ठी के जवाब नहीं आती तो उसकी रिमाइंडर दिया जाता है, एक दिया जाता है, दो दिया जाता है, क्योंकि एक्चुअल में कांग्रेस सरकार को करना ही नहीं था, इनका तो केवल वोट लूटने का एक माध्यम बनाया था। बजट तो दिया इन्होंने। मैं आता हूँ घर के बंटवारे में दो भाई स्टेक होल्डर है, उन दोनों भाइयों से बात नहीं करके क्या मध्य प्रदेश सरकार स्टेक होल्डर नहीं है इसकी? क्या राजस्थान सरकार स्टेक होल्डर नहीं है? उन दोनों के बीच बिना बात किए हुए आप किसी एक तरफा निर्णय लेंगे, और आपको याद होगा स्टे कौन लाया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिस बांध के बारे में अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार लेकर आया। क्यों लेकर आया? क्योंकि इन्होंने बात करना, कमलनाथ जी ने तो मुख्यमंत्री से बात करना भी उचित ही समझा, डबल इंजन की सरकार तो बन गई थी ना, राजस्थान में भी कांग्रेस की, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की, दोनों मुख्यमंत्री कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों में इतना मतभेद था कि एक दूसरे को देखना ही पसंद नहीं करते थे। नहीं तो आपके उठके आ गए यहाँ पे। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, ये है उठके क्यों आ गए, क्योंकि जनता की सेवा के लिए जनप्रतिनिधि बने, मलाई खाने के लिए नहीं बने, जनता की सेवा करने के लिए जो जनप्रति बनेगा वो जनता का काम भी करेगा, और ये मोदी की गारंटी है, ये कोई गहलोत साहब की गारंटी नहीं है, मोदी की गारंटी पूरी होकर के रहती है, सिद्ध कर दिया राजस्थान की धरती के ऊपर, जिस प्रकार से MOU साइन हुआ है, जिस प्रकार से नदियों जोड़ने का प्रोग्राम को इसमें इंक्लूड किया गया है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, हमारे किसान नेता जी अभी कह रहे थे, पानी की बात कर रहे थे, कम पानी मिलेगा, ज़्यादा पानी, अरे DPR बननी है अभी इसकी, अब DPR बनेगी, 90% पैसा केंद्र सरकार वहन करने की स्थिति में आ गई, नदियों को जो हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, नदियों को जोड़ो, नदियों को जोड़ने से क्या होगा, बरसाती नदियों का पानी आज वेस्टेज हो रहा है, योगेंद्र जी अपन सब देख रहे हैं, उस वेस्ट अधिशेष पानी जो बरसाती पानी है उसको रखने के लिए आपको डैम चाहिए, बैराज चाहिए, 6 बैराज इसके अंदर बनेंगे, एक डैम इसके अंदर बनेगा, 26 जो डैम पहले से स्थापित है उनके पुनरुद्धार का काम किया जाएगा, ये सारे काम मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, मोदी जी का नियम है कि जो गारंटी देते हैं उस गारंटी को पूरी, लगभग कितना टाइम पूरा जाएगा, कुछ है इसमें ना, इसके बारे में अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि जब पूरे चीज सामने आ जाएगी, DPR सामने आ जाएगी, सब चीज सामने आ जाएगी, तो राजस्थान की जनता के सामने आ जाएगा, आज मैं ये नहीं कह सकता कि ये प्रोजेक्ट इतने दिन में पूरा हो गया है, लेकिन पानी जो है पानी कम मिलेगा, और आप इंडस्ट्री को मिलेगा, एग्रीकल्चर को मिलेगा, सुनो 80,000 हेक्टेयर जमीन ऑलरेडी हमारी इरिगेटेड है, और 2,00,000 आप नया रकबा तैयार करेंगे उसके लिए, ये दावा है, 2,00,000 80,000 तो ऑलरेडी है वो तो 2,00,000 और करेंगे जो तमाम जो दावे हैं उसके अंदर। इनका कहना है कि आज जितना पानी हमें चाहिए वो पीने का भी नहीं मिल पाएगा, जितना पीने का चाहिए सिंचाई कहां से होगी? बिल्कुल, रामपाल जी का अपनी, रामपाल जी भाई साहब का मैं बात का समर्थन करता हूँ, किसानों की चिंता करनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार किसान हितैषी सरकार है, ऐसा निर्णय की कल्पना कर ही नहीं सकते कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में काम नहीं करेगी। पानी की बात की भाई साहब ने कि पानी कम हो जाएगा, आप देखते जाइए, ये शुरुआत है, कम नहीं होगा, पानी ज्यादा मिलेगा, ये भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान के अंदर सरकार है, और मैंने पहले भी कहा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजस्थान के हैं, और राजस्थान के हित सर्वोपरि है, इस सरकार के सर्वोपरि, किसी भी सूरत में राजस्थान के हितों में कोई कुठाराघात नहीं है। कुठाराघात कब हुआ था? जब हरी के बैराज से पानी नहीं छोड़ा जाता था, कांग्रेस की सरकार थी, और हमारे घरसाना, रावला, गंगानगर, हनुमानगढ़ में फसलें जल जाती थी। उसके बाद में जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई राजस्थान में, कांग्रेस की सरकार, और आंदोलन हुए, लोग मर गए, मेरे को आज भी वो घटना याद है, केवल द्वेष की भावना से राजस्थान को पानी नहीं दिया जाता था। ये होती है द्वेष की भावना, भारतीय जनता पार्टी कभी आपको जवाब दे रहा है। प्रदीप जी, जिस तरह की बात राजपुरोहित जी कह रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पिछले 5 साल में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 25 सांसद 5 साल तक क्या कर रहे थे?
ये योजना उन्हीं की तरफ प्रस्तावित थी और पांच साल तक योजना को अटका रखा गया, जिस तरह से राजपूत कह रहे हैं हमने बहुत जल्दी फैसला किया। बीजेपी का ये दावा है कि कभी बैठक में मुख्यमंत्री जी आए नहीं, इस वजह से सिरे नहीं चढ़ पाई, उन्होंने समय नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी बार बार इस बात कहा था कि उन्होंने पत्र लिख करके समय मांगा, लेकिन उन्होंने कभी 25 सांसदों के साथ उनकी मुलाकात करने की कोई व्यवस्था प्रधानमंत्री ने नहीं की। बात वही आती है कि आप बात कर रहे हैं, आप किसानों की बात कर रहे हैं, किसान तो आपको अगले 10 दिन में फिर वो सड़कों पर आने वाले हैं, क्योंकि आपने सरकारों के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रखा है एमएसपी को लेकर, वो आपके आश्वासन को इंतजार करते हुए दिल्ली में धरने की तैयारी कर रहे हैं, और किसान 700 किसानों ने जान दे दी। आपने उनके साथ जो दरिद्रता की है, किसानों की बेटियों के साथ आपने दिल्ली में जो कुछ हुआ वो किसान की बेटियां थी, लेकिन आप किसान वर्ग के साथ जिस तरह व्यवहार कर रहे हैं ये आने वाला समय आपको बताएगा, और आने वाले चुनाव में जो तैयारियां आप कर रहे हैं और मंसूबे बांध रहे हैं उसे किसान अपनी पूरी धोती कुर्ता जमकर और अपनी मेहनत से देखना कि आपके साथ किस तरह व्यवहार करता है। चूंकि आपका समय निकल चुका, अब किसानों का समय है, तो किसान आने वाले चुनाव में अपनी भूमिका और अपने दायित्व का निर्वाह इस सरकार को उखाड़ कर करेंगे, ये मेरा विश्वास है। चलिए मैं चेतन जाऊंगा, मैं रामपाल जी मैं आपके पास में आना चाहूंगा कि देखिए अक्सर ये कहा जाता है कि कुछ भी नहीं मिले तो उससे तो बेहतर है कि पानी मिल रहा है, एक तो बात हुई है। दूसरी बात, अभी प्रदीप जी ने कहा कि किसान इस एमओयू के खिलाफ आंदोलन की राह पकड़ेंगे, ऐसा क्यों? योगेंद्र जी, जैसा अपने डिबेट में भाजपा की तरफ से आया ऐसा हो जाए तो हम अभिनंदन करेंगे, उनको माला पहनाएंगे, फूल चढ़ाएंगे उनके ऊपर, और सार्वजनिक रूप से उनका अप्रिसिएशन देगा पूरा राजस्थान। हमें कष्ट यह है कि जो आंकड़े मैंने दिए हैं ये आंकड़े केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के आंकड़े मेरे नहीं, इसलिए उनके अनुसार ही जब पानी पूरा नहीं होगा, और ये जो बात है कि पांच साल कैसे अटकी, पांच साल तो काम चला है, और एक काम जरूर हुआ था, जब केंद्र के जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा कि सारे काम रोक दिए जाए, कोई भी निर्माण काम नहीं किया जाए, ये तो अच्छा मानो कि सरकार ने उस आदेश को माना नहीं, क्योंकि वो संविधान की परिधि से बाहर था। संविधान में कोई भी केंद्र सरकार किसी राज्य को ऐसे कामों को रोकने का आदेश नहीं दे सकती, क्योंकि राज्य का विषय है, इसलिए वो काम रोके नहीं। यदि वो काम रुक जाते तो जो काम हो ये भी नहीं होते। और मैं दूसरा ये कहना चाहूंगा, यदि इस योजना को प्रधानमंत्री जी की घोषणा की पालना में देखा जाता तो अच्छा रहता। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने काम एक अच्छा किया था, 2018 की घोषणा है, 2019 में जैसे ही जल शक्ति मंत्रालय बना उन्होंने उसकी कमान राजस्थान को सौंप दी, बहुत बड़ा काम किया। उनका भाई राजस्थान से ज्यादा पानी का दर्द कोई नहीं जानता है, लेकिन जिनके हाथ में कमान आई उनकी नकारात्मकता के कारण से, उनके ईर्ष्या भाव के कारण से, उनकी जो दिन से टसल थी, दो मुख्यमंत्रियों से टसल उनकी, उस टसल का उन्होंने सारा खामियाजा दे दिया जनता को। इस कारण से खुद को श्रेय जाए, वही किया अभी भी कि मुझे श्रेय दो, मैं कर रहा हूं। अरे भाई तुम कर रहे हो, राजस्थान के हित की बात कोई करो, सबका अभिनंदन है, तुम करो तुम्हारा भी अभिनंदन है। तो तुमने तो इस काम को अटकाने का, लटकाने का, प्रधानमंत्री कार्यालय को भटकाने का काम किया था जल शक्ति मंत्रालय ने, तो इस कारण उन्होंने जो काम किया वो अभिनंदनीय नहीं है। उसको तो क्या कहे, मैं उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहना चाहता कि राजस्थान को होते हुए भी हम ये नहीं चाहते तुम हमारा फेवर करो, हम तो ये चाहते तुम हमारे साथ न्याय करो, न्याय भी नहीं कर पाए। अभी लगता न्याय नहीं हो आपके साथ में। नहीं, रोहित साहब आपके पास में आना चाहूंगा, रामपाल जी को लगता है कि न्याय नहीं हुआ है अभी भी, और जो आंकड़े पेश कर रहे हैं कह रहे हैं कि जल शक्ति मंत्रालय के हैं, आप भी साइट पे देख सकते हैं। बिल्कुल, मैं आता हूं, सबसे पहले प्रदीप जी की बात पे आता हूं। प्रदीप जी ने बहुत अच्छी बात कही, कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में थी या नहीं थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे या नहीं थे, अगर वो दोनों सरकारें जब डबल इंजन की सरकार थी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का शासन, राजस्थान में भी कांग्रेस का शासन, इस योजना का फर्स्ट स्टेज क्या था ये समझिए योगेंद्र जी आप, इस योजना का फर्स्ट स्टेज ये था, दोनों जो स्टेक होल्डर है, स्टेट है, उन दोनों के बीच में एमओयू के बिना क्या आप आगे बढ़ सकते हैं? वाटर डिस्प्यूटल बोर्ड है केंद्र सरकार में, उसने अपना रोल नहीं निभाया है। राजपुरोहित जी वाटर बोलने से क्या थोड़ा सा गड़बड़ होता है, फ्लो भी टूट जाता है। अब आता हूं मैं आगे, जब सरकार की नीति और नियत साफ होती है तो इस तरीके के निर्णय होते हैं, इतने कम समय में होते हैं। जिन सरकारों की नीति और नियत में खोट होता है
वो कभी ना तो निर्णय ले पाता ना अपने सहयोगी से काम करा पाता है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा उदाहरण है कि दोनों जगह कांग्रेस की सरकार होने के बाद में एमओयू नहीं कर पाई ये लोग, क्योंकि उनकी आपसी लड़ाई के कारण, पहली बात। दूसरी बात, हमारे मित्र राम प्रताप जी भाई साहब का मैं जवाब देना चाहता हूँ। मैंने पहले भी कहा था, आज आपने बिल्कुल कहा है कि हम धन्यवाद करेंगे और करेंगे, आप समय आने दें, आप मालाएं भी पहनाएंगे, क्यों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये किसान हित के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता करने वाले नहीं है। लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि लाभ को भी देखिए, केवल विरोध के लिए विरोध मत कीजिए। मुंबई इकोनॉमी, मुंबई दिल्ली इकोनॉमी कॉरिडोर वहां से निकल रहा है, किन किन को लाभ होगा, कितने परिवार इससे लाभान्वित हो गए, कितने किसानों को इससे फायदा होगा, इन सब तस्वीरों को देखिए। हाँ, आपको अगर कोई कमियां लगती है आप सुझाव दीजिए, उनको इंक्लूड करेंगे हम लोग। अगर कहीं भी कोई कमी रहेगी उसको शामिल करेगी सरकार, क्यों नहीं शामिल करेगी, किसान प्रतिनिधियों से भी बात करेगी। लेकिन मेरा एक दावा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी ऐसी गारंटी है जो गारंटी की भी गारंटी है। साहब, आपने दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात की, मालूम है कितने साल हो गए उसको, बिल्कुल कहां पोजीशन अभी उस, बिल्कुल अब तक तो बहुत, आप अभी मेरे को लगता है आप दिल्ली से जयपुर से दिल्ली नहीं गए अभी तक, गए होंगे आप, और आपने देखा होगा कैसी बनी। और मैं तो आपके आमंत्रण भी देना चाहता हूँ, कभी आपको मौका मिले तो हमारे बीकानेर से हनुमानगढ़ चाहिए आप, हम लोग बीकानेर से हनुमानगढ़ जाते थे 5 घंटे लगते थे, अभी मेरे को 2 घंटे 20 मिनट में हनुमानगढ़ पहुंच गया, ठीक हो गए वापस उनके, बिल्कुल मैं बात इसी पे आ रहा हूँ। ये हाईवे जो 1370 किलोमीटर का बना है जामनगर अमृतसर हाईवे, मैं सभी मित्रों को दावत देता हूँ वहाँ आए उस हाईवे के, मैं गया हूँ बीकानेर से उद्घाटन के कुछ दिन बाद में गया था इलेक्शन के दरमियान, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, गड्ढे हुए थे उसमें। लेकिन आप योगेंद्र जी, इसका मतलब ये नहीं कि हाईवे निर्माण नहीं किया जाए, बिल्कुल बना, इसका मतलब ये नहीं कि जनता को सुविधाएं नहीं देखे, चीजें मतलब नहीं, कमियां रहती है, मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ ना, लेकिन कमियां दुरुस्त होगी। राम प्रताप जी वैसाब की चिंता जायज है, मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ, रामपाल जी वैसाब की चिंता जायज है, और मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि जो भी सजेशन है सरकार को देने चाहिए, जो चिंता है उस पे गौर होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन एमओयू तो मैंने एक लाइन में आपको कहा, एमओयू तो साइन हो चुका है, एमओयू साइन हो चुका है लेकिन डीपीआर बनेगी उसके बाद में, पानी की मात्रा जो है, जो वैसाब अभी चिंता कर रहे थे, मैंने खुद ने पढ़ा है, मैं कोई इनकी बात को नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन एक बात का मैं भरोसा देना चाहता हूँ राजस्थान की जनता को कि राजस्थान की सरकार किसान व्यापारी किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो, पहले भी उन्होंने नहीं दिया है, उन्हें नहीं देगी, ये मेरी गारंटी है। आप देखना सभी लोग स्वागत करेंगे, अभी भी करेंगे। आप एक बात बताइए, आप तो प्रदीप जी को संतुष्ट कर रहे हो, आपसे सवाल कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं देखिए राजप्रोत जी, आपने मुझे कहा कि प्रधानमंत्री की जो आप विश्वसनीय बात कर रहे हैं, गारंटी की बात कर रहे हैं, अभी अभी एक आंकड़े हैं, हालांकि आंकड़ों में विश्वास नहीं करते हैं, उनके खुद के ही आंकड़े उलझते हैं। अभी उनका एक आंकड़ा आया है कि देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर निकल गए, ये उनका एक अभी अभी आया है स्टेटमेंट। आप मुझे बताइए, अगर गरीबी रेखा से 25 करोड़ गरीबी की रेखा से ऊपर निकल गए तो फिर 91 करोड़ कैसे गरीब है जिनको आप अनाज बांट रहे हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं है। आपका यह दावा तो है कि आप 25 करोड़ लोगों को आपने गरीबी की रेखा से ऊपर निकाल दिया, लेकिन 91 करोड़ में वो 25 करोड़ कम नहीं हो रहे हैं, ये कैसे आंकड़े हैं, कौन सी गणित है, कौन सा स्कूल है, इस देश के लोगों को आप कब तक मूर्ख समझेंगे। आप आंकड़ों की बाजीगरी में खुद निपुण होइए फिर करिए। आप जिस तरह के आंकड़े देते हैं और प्रधानमंत्री गारंटी बात करते हैं, प्रधानमंत्री कहता है 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, भ्रष्टाचार बंद कर देंगे, कहां है वो सब, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार उसकी बात नहीं, वो गारंटियां थी ना। आज राम मंदिर में बैठ जाके बात कर रहे हैं आप, कभी कुछ बात करते हैं कभी कुछ बात करते हैं, किसानों के साथ आपने जो अन्याय किया है, आपने 700 किसानों को आत्महत्या करने को मजबूर किया है, तो कौन से देश की गारंटी की बात करते हैं आप, चले आंकड़ों में उलझे हुए खुद हैं आप, आंकड़ों को समझते नहीं और उसको फैलाने का प्रयास करते हैं, इससे जनता प्रभावित होने वाली नहीं है। एक बार जवाब दे रहे हैं, हमारे समय कम है, जवाब दे, हमारे हमारे कांग्रेस के मित्र हंसते थे जब हम शौचालय की बात करते थे, कांग्रेस के मित्र हमारे हंसते थे हमारे जब हम हर घर में नल की बात करते थे, हमारे कांग्रेस के मित्र हंसते थे जब हम ये कहते थे हर ढाणे के अंदर बिजली का कनेक्शन जाएगा, हमारे कांग्रेस के मित्र हंसते थे जब हम बात करते थे हर गांव के अंदर हर व्यक्ति को छत मिलेगी प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से, हमारे कांग्रेस के मित्र हंसते थे महिलाएं जो लकड़ी जला जला के जिनके आंसू आंखें खराब हो जाती उनको उज्ज्वला योजना के माध्यम से जब सिलेंडर दिए गए तो हमारे कांग्रेस के मित्र हंसते थे। ये देश के प्रधानमंत्री है जिन्होंने अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की चिंता की है और देश की आधी आबादी की चिंता की है, जिसकी जो रिक्वायरमेंट थी, चाहे आवास की रिक्वायरमेंट थी, चाहे उज्ज्वला योजना योजना के माध्यम से सिलेंडर की रिक्वायरमेंट थी,
चाहे शौचालय की रिक्वायरमेंट थी, क्या ये अच्छी योजना नहीं है महिला सुरक्षा के लिए? आज ये शौचालय गाँव में जरूरत नहीं थे, जिस प्रकार की घटनाएं राजस्थान के अंदर घटित हो रही है। और 65 साल तक इन लोगों ने इन मूलभूत सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा, उसी का नतीजा है आज भारत के अंदर आजाद होने के 75 साल के बाद में एक प्रधानमंत्री जी को आह्वान करना पड़ता है। समय का अभाव है, समय हो चुका है, मैं रोकना चाहूंगा। खैर चलिए, ईआरसीपी पहले भी एक सियासी मुद्दा था और अभी भी है, विधानसभा में हंगामा भी रहा और उसके बाद तय किया गया कि इस पर चर्चा होगी, तब बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। जल संसाधन मंत्री को जवाब भी देना होगा। खैर चले, लेकिन अगर पानी मिलता है राजस्थान को तो स्वागत करना चाहिए, और अगर कोई कमियां हैं तो सरकार को स्वीकार करके उसे दुरुस्त करना चाहिए। ये कोई सियासी मुद्दा नहीं है, ये वाकई हम सब लोगों के लिए, पीने के पानी का, सिंचाई के लिए, उद्योग के लिए, राजस्थान में विकास के एक नए आयाम साबित हो सकेंगे, स्थापित हो सकेंगे अगर ये सब कुछ होगा तो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।